जब आप लोग अपने समूह की बैठक करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं समूह में? प्रेयर करते हैं ना। तो आज आपके यहाँ जो है ग्राम संगठन की आम सभा लगी है। गांव की दीदियाँ अपना कीमती समय निकाल के आई है ना ग्राम संगठन बनाने के लिए। तो ग्राम संगठन बनाने से पहले हम लोग जो है भगवान का नाम लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे ताकि कार्यक्रम अच्छे से हो सके। तो सभी दीदियाँ लाइन से अपने अपने स्थान पे खड़ी हो जाएंगी और प्रेयर हो जाए, और एक ही साथ प्रेयर करना है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, मन का विश्वास कमजोर हो ना। समूह हमारा कैसा हो? भीओ हमारा कैसा हो? भीओ हमारा कैसा हो? भीओ हमारा कैसा हो? सीएलएफ हमारा कैसा हो? सीएलएफ हमारा कैसा हो? हम दीदियों ने किया कमाल, हम दीदियों ने किया कमाल। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। खुशहाली हर गांव में, खुशहाली हर गांव में। जय समूह, जय समूह, जय समूह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैठे दीदी, हम कहाँ से आए हैं हम अपना परिचय दे दें, ठीक है? क्या करने आए हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे उपस्थित सभी दीदी को नमस्ते। मेरा नाम सत्या है। हम जिला अम्बेडकर नगर ब्लॉक अकबरपुर से आए हैं, आपके जनपद संत कबीर नगर में पौली ब्लॉक से आपके पंचायत में भेजे गए हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सीनियर सीआरपी के पद पे कार्य करते हैं, और हम लोग भी आप ही की तरह हैं। जैसे आपका गांव है, जैसे आपका घर है, जैसे आपका रहन सहन है, जैसे आप लोग समूह में जुड़े हैं, ठीक वैसे ही हम लोग भी समूह में जुड़े हैं। लेकिन हमारा समूह जो बना है, बिहार राज्य से 5 दीदियां आई थी और हम लोगों का समूह बना के गई हैं। उसके बाद आपके यहाँ 13 समूह है, 13 समूहों को जोड़ के आज हम जो है ग्राम संगठन बनाने के लिए हम 2 दीदियां आए हैं। ग्राम संगठन बनेगा, समूह आपका है, टोला वाइज है। ग्राम संगठन जो है पंचायत स्तर पे रहेगा। 13 समूहों को जोड़ करके आप, यानी आपके समूह का एक ऑफिस बनेगा, एक कार्यालय बनेगा। जैसे ये प्रधान जी का कार्यालय है जहाँ पे आप बैठी हैं, पंचायत जो है प्रधान और सेक्रेटरी का कार्यालय है कि नहीं? प्रधान को कोई कार्य करना होता है तो प्रधान जी जो है पंचायत भवन पे महिलाओं को बुलाते हैं। ब्लॉक से अधिकारी भी आते हैं तो यही पंचायत भवन पे ही आते हैं, महिलाओं को सूचना दी जाती है, यहीं पे सारा कार्यभार होता है, ठीक है? चूंकि अब आप लोग जो है समूह में जुड़ चुकी हैं, आपका भी तो एक पहचान होना चाहिए कि नहीं, बताइए दीदी? आपका ऑफिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितनी दीदियां चाहती हैं कि हमारे समूह का भी एक ऑफिस हो इस पंचायत भवन के जैसा? हाथ उठाइए। क्या दीदी ना उठा? दीदी आप नहीं चाहती हैं? सब लोग चाहते हैं ना। हाँ, तो वही आपका पहचान, आपका कार्यालय, आपका ग्राम संगठन बनाने के लिए हम लोग उतनी दूर से आए हैं, ठीक है? तो आप लोग ग्राम संगठन बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? सब दीदी हाथ उठाए तबे मानक। आप लोग जो ग्राम संगठन बना रही हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार बना रही हैं, किसी के जोर दबाव में अपनी स्वेच्छा अनुसार बना रही हैं ना? तो ग्राम संगठन बनना चाहिए। तो ठीक है दीदी, ग्राम संगठन बनाने के लिए आज हम आम सभा लगाए हैं, तो आज ग्राम संगठन हम बनाएंगे। तो आपके समूह में 10 से 12 महिलाएं जुड़ी होंगी,
उसमें 3 पदाधिकारी रखे गए होंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन्हीं के द्वारा आपके समूह का संचालन किया जाता है। तो देखिए दीदी, ग्राम संगठन क्यों बनाया जा रहा है ये भी जानना आप सबको बहुत जरूरी है। ग्राम संगठन इसलिए बनाया जा रहा है, ब्लॉक से जो भी योजनाएं आती हैं आप सबको मिल नहीं पाती है, जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। कुछ लोग जानकारी पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। तो जब आपका ग्राम संगठन बन जाएगा तो ग्राम संगठन में महीने में बैठक होगी। हर समूह से 3 दीदी बैठक में आएंगी, सभी लोग तो आ नहीं सकती हैं, केवल 3 ही दीदी को आना है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को। तो जो भी ब्लॉक से योजनाएं आएंगी सबको सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा। दीदी जा करके अपने समूह में सभी सदस्यों को बताएंगी, जानकारी देंगी। तो सूचना का आदान प्रदान करने के लिए ग्राम संगठन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे समूह हैं। हम लोग गांव में गए, हर समूह में गए, तो दीदियां अपने समूह में क्या कर रही, बैठक नहीं कर रही, बचत नहीं कर रही हैं, लेखा जोखा नहीं कर रही हैं, झगड़ा लड़ाई ये सब सारी चीजें कर रही हैं ना। अच्छे से उनके समूह का संचालन नहीं हो पा रहा है, सोचती हैं कि ब्लॉक से भैया आए तब हमारे समूह का संचालन हो। तो देखिए, ब्लॉक से भैया आएंगे नहीं, उनको बहुत सारा काम है, समूह का संचालन आप ही लोगों को करना है। तो समूहों की देख रेख करने के लिए ग्राम संगठन बनाया जा रहा है। तो ग्राम संगठन का यही कार्य है, समूह में जितनी भी दीदियां, आप सब जितनी दीदियां जुड़ी हैं, सभी दीदियों का जो है विकास हो सके, सभी दीदियां रोजगार कर सके कुछ ना कुछ, ठीक है, इसीलिए ग्राम संगठन बनाया जा रहा है। और जैसे ग्राम संगठन कई कैडर की भी नियुक्ति करेगा, गांव में महिलाओं के समूह की देख रेख करने के लिए कैडर की नियुक्ति की जाएगी। जैसे अभी नियुक्ति हुई है ये दीदी समूह सखी है, ठीक है, इनका काम है ये आपके समूहों में जाएंगी, प्रतिमाह आपके समूहों की बैठक कराएंगी, बचत कराएंगी। जैसे बहुत सी दीदी है रजिस्टर लिखना नहीं आता है, तो दीदी जाएंगी बताएंगी इस प्रकार से आपको रजिस्टर लिखना है, बैंक से पैसा जमा निकासी करना है, समूह से कोई भी जानकारी आपको करनी है तो दीदी आपको बताएंगी, दीदी का प्रशिक्षण करवाया जाएगा। इनकी नियुक्ति ग्राम संगठन के द्वारा की गई है। और जैसे आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं कि नहीं करते हैं, कितनी दीदियां करती हैं बताइए जरा। तो आपके जो है एक आजीविका सखी रखी जाएंगी इसी ग्राम संगठन से, ग्राम संगठन ही नियुक्त करेगा। कृषि सखी का कार्य रहेगा, जो भी दीदियां समूह से पैसा लेती हैं भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन, मछली पालन, कोई भी रोजगार करने के लिए आजीविका सखी रहेंगी, आपकी जो है मदद करेंगी। पशु सखी रखी जाएंगी, ठीक है, इनके द्वारा आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा। जैसे आप भैंस पालन की है, आपके भैंस को कौन सा रोग हो गया है, कौन सी बीमारी हो गई है, आप खेती कर रही हैं तो ज्यादा रासायनिक खाद डाल रही हैं, यूरिया ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं और घूर गड्ढा वाली खाद डाल ही नहीं रही हैं, तो इन सब चीजों से भी ग्राम संगठन आपको लाभान्वित करेगा, एक आजीविका सखी की नियुक्ति की जाए, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद बैंक में तो बैंक सखी रखी गई हैं। जैसे बहुत सी दीदियां हैं, पढ़ना आता नहीं है, पैसा जमा करना है तो जमा पर्ची कैसे भरना है वो भरेंगी, पैसा निकालने आप जाइए तो पैसा निकालने वाला विड्राल भी बैंक सखी भरेंगी, आपके समूहों का सीसीएल नहीं हुआ है तो ग्राम संगठन सभी समूहों का सीसीएल भी करवाएगा, बहुत सारा कार्य जो है ग्राम संगठन ही करवाएगा। इतनी महिलाएं हैं ग्राम संगठन में, आज हर समूह से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, कहते हैं दीदी एकता में बल है कि नहीं है बताइए, है ना। आज जो है 100-150 महिलाओं का संगठन बन रहा है, आप चाहेंगी एक दिन ऐसा आएगा, आप चाहेंगी जिसको चाहेंगी वही प्रधान बनेगा। एक बात आप हमारी याद कर लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में सरकार ये आदेश कर दे कि ग्राम संगठन की महिला ही प्रधानी खड़ी हो, तो आज आपका एकता बन रहा है, मतलब रीठा गाँव, महेश्वरपुर, बेलघाट, तीनों गाँव का समूह जुड़ के ग्राम संगठन बन रहा है। तो ग्राम संगठन में बहुत सारे फंड आएंगे, पैसे आएंगे, कुछ पैसा बिना ब्याज पे भी आएगा, वो भी आप सबको मिलेगा। जिस प्रकार से आपके समूह में 3 पदाधिकारी रखे गए हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन्हें के द्वारा समूह का संचालन किया जा रहा है, ठीक, आज ग्राम संगठन का भी गठन किया जाएगा, ग्राम संगठन का नाम रखा जाएगा। ग्राम संगठन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। कितने पदाधिकारी? 5 ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया
लिया जाएगा। ठीक है दीदी। मेरा नाम निशा रानी है, मेरे समूह का नाम कमल महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह है, मेरे ग्राम संगठन का नाम पंखुड़ी प्रेरणा महिला ग्राम संगठन है, मेरे CLF का नाम संस्कार संकुल संघ है, ब्लॉक अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर से आपके ही संत कबीर नगर जिले से आपके ग्राम सभा में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। ठीक है दीदी, यही हमारा परिचय है। हम आपके यहाँ ग्राम संगठन का निर्माण करने आए हैं, यानी ग्राम संगठन बनाने आए हैं। उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष, ठीक है। अब जितने लोग हैं इनके कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें जुड़े हैं ग्राम संगठन में सदस्य, ये तो हैं ही, लेकिन इन पांच पदधारियों के कार्य अलग अलग होते हैं। अध्यक्ष का कार्य जानती हैं दीदी? कोई दीदी जानता है अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? कोई एक दीदी जानती है? खड़ी हो जाइए दीदी। है अध्यक्ष का कार्य है कि नियमित से पैसा जमा करना, अगर कोई महिला नहीं आ रही है तब सबको बुला के इकट्ठा करके समझा के पैसा आपस में ले जाके जमा। ठीक ठीक दीदी, देखें ताली बजाओ दीदी के लिए। ठीक है कुछ तो दीदी हिम्मत करके बताएं। वैसे आपके ग्राम संगठन एक डेट को रखा जाएगा, महीने में एक दिन, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दो बार भी मीटिंग किया जा सकता है। ठीक है दीदी। तो अध्यक्ष का कार्य होता है मीटिंग कराना, लेकिन अध्यक्ष दीदी हर समूह में बुलाने नहीं जाती। हर समूह का कार्य होता है कि मीटिंग के समय जिस तारीख को मीटिंग का दिन रखा रहता है वह अपने समय से ग्राम संगठन में पहुंच जाए और मीटिंग को कराएं। और अध्यक्ष दीदी का कार्य होता है खाता खुलवाना, बैंक से पैसा निकासी करवाना, जितने सरकारी दस्तावेज होते हैं उन पर सिग्नेचर करना। लेकिन उपाध्यक्ष दीदी का कार्य होता है, जैसे अगर अध्यक्ष दीदी उपस्थित नहीं है तो वो मीटिंग करवा सकती हैं, लेकिन किसी दस्तावेज पर वो सिग्नेचर नहीं कर सकती हैं। बताइए दीदी, नेता कैसा होना चाहिए? कोई एक दीदी खड़ी होकर बताइए। ईमानदार होना चाहिए, जो कि मतलब जनता को जो भी दिक्कत प्रॉब्लम हो उसको सोल्व कर सके। ये नहीं है कि जनता को प्रॉब्लम है नेता सुने ना, ये नहीं होना चाहिए। नेता उसको होना चाहिए जो जनता की हर प्रॉब्लम को सोल्व करे, हर जनता का कहना माने। जनता की मोहल्ला गली जो भी है उसमें कोई भी सुविधा नहीं है तो उसको सुविधा करवानी चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए। तीन गिलास है, तीनों गिलास में हम सादा पानी रख देते हैं, ठीक है। एक में हम मिट्टी डाल देते हैं और एक में जो है चीनी डालेंगे केवल, और एक में हम जो है चीनी भी डालेंगे, नींबू भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे। तो अब आप लोगों को निर्णय लेना है, आप लोग किस गिलास का पानी पीना पसंद करेंगे, बताइए। क्या क्या और इधर दीदियाँ बताए। हाँ, पानी, चीनी, हाँ, जिसमें पानी है और केवल चीनी है वो तो ज्यादा मीठा है ना, हमको तो वही ज्यादा पसंद है। आप बताइए का? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दी दिख लिए। तो दीदी देखिए, अगर आप जिसमें मिट्टी है, मिट्टी डाली गई है, वो पानी क्यों नहीं आप पीना पसंद करेंगे? जैसे दीदी देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इनकी आत्मा ही गंदी है, इनके अंदर जो है बेईमानी कूट कूट के भरी है, कोई जान ही नहीं रहा है, ठीक है। और जो चीनी है, केवल चीनी, तो ये सब जानते हैं मिठाई में कीड़े पड़ते हैं, ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। नमक में कीड़े पड़ते हैं, बताइए? नहीं पड़ते हैं ना, लेकिन ज़्यादा खारा भी नहीं होना चाहिए। आ खारा पानी पीने में अच्छा लगता है? नहीं। अगर उस पानी में हम थोड़ा चीनी डाल देंगे और नींबू भी डाल देंगे तो स्वादिष्ट हो जाएगा, उससे पीने से थोड़ा एनर्जी भी आ जाएगी। तो नेता ऐसा होना चाहिए सब दीदियों को एक साथ लेकर चल सके, ठीक है। और समय समय पे जैसे कोई समूह गलती भी कर रहा है उसको इतने आराम से समझा दे कि उसको जो है एहसास भी ना हो कि दीदी अध्यक्ष बनी है हमको डांट, ठीक है। कहीं कहीं पे कड़ाई से भी पेश आ सकता है और कहीं पे प्रेम से भी बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नेता बन गए हैं आप मनमानी करेंगी और हम आपके ऊपर कड़ाई नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन हिसाब से, ठीक है। जैसे बहुत दीदी नेता बन जाएंगी, पदाधिकारी बन जाती हैं, तो जैसे मान लेते दीदी अध्यक्ष बन गई, दीदी आई हाली हाली बैठ गई आराम से कुर्सी पे, केहू दीदी कौनो मतलब है ना, कितनों अध्यक्ष हैं लेकिन आवे
सबसे नमस्ते करें, घुल मिल जाने का ऐसा होना चाहिए कि सब दीदियों के बीच घुल मिल जाए ताकि पता ना चले कि ये नेता हैं। तो उसी को लोग तो कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं। वैसा ही नेता आपको अपने ग्राम संगठन में भी चयन करना है ताकि ईमानदार हो, 100-150 महिलाओं की जिम्मेदारी उठा सके, सबको एक साथ लेके चल सके। ऐसा नहीं है कि 4 दीदियों को एक साथ ले चले और बाकी दीदियों को छोड़ दे। तो चुनाव आपका करना है, 5 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। पहला जो है अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा। अध्यक्ष पद का चुनाव एससी कास्ट से ही किया जाएगा। जब हमको एससी जाति से कोई दीदी नहीं मिलेंगी तब हम जो है ओबीसी से ले सकते हैं, ठीक है। 5 पदाधिकारी रहेंगे, 5 कास्ट से ही रहेंगे, ठीक है। तो हर समूह के जो अध्यक्ष सचिव कोषा अध्यक्ष हैं उन्हीं में से जो है ये 5 पदाधिकारी का चयन किया जाएगा। और ग्राम संगठन के पदाधिकारी बनने के लिए जो है सबसे पहले जो है कार्यकारिणी समिति का चुनाव किया गया है। ये हैं सब दीदियां कार्यकारिणी सदस्य, आप सब देख सकते हैं। अब इन्हीं में से ग्राम संगठन का संचालन करने के लिए 5 पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष का। अब इसमें देखते हैं कौन दीदी ग्राम संगठन की अध्यक्ष बनती हैं। और अध्यक्ष का चुनाव जो है सबसे पहले जाति आरक्षण के आधार पर किया जाएगा और एससी जाति को जो है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और वो भी दीदी अपने समूह का संचालन अच्छे से करती हो, पढ़ी लिखी हो, जागरूक हो, बैंक ब्लॉक आ जा सके, ऐसी महिला का चुनाव आप लोग करिएगा, ठीक है। इसी सदस्यों में से 4 दीदी अध्यक्ष बनने के लिए आई हैं, ठीक है। अब आप लोगों को चुनना है किसको आप ग्राम संगठन का अध्यक्ष बनाना चाहती हैं इन 4 दीदियों में से। बाकी जो यहाँ पे दीदियाँ बैठी हैं आप सब चुनिए, जिसको इन दीदियों में से आप जिसको अध्यक्ष के रूप में चयनित करेंगे हम उसी को अध्यक्ष बना देंगे। तो ये दीदी अध्यक्ष बनने के लिए आगे आई है, बताइए आप लोग सहमत हैं? सब सहमत हैं? बाकी इधर से दीदी आप लोग बोलिए, सब सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है दीदी? आप लोग सबकी सहमति से होना चाहिए, तो सब दीदी हाथ खड़ा कर ताली बजावा। दीदी मैं खड़ी हुआ। अब दीदी देखिए दूसरे पद का चुनाव होगा, जो दीदी सचिव बनेंगी वो थोड़ा पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि इमला उमला पढ़ लिए, कोई भी लेटर आवे उसको पढ़ सके, पढ़ के सबको सुना सके, कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और उसका चुनाव जो है ओबीसी से किया जाएगा। तो सचिव बनने के लिए कोई दीदी आवे आगे? जो दीदी सचिव बनना चाहती है, 5 प्रतिनिधियों का चयन हो गया है। आपका ग्राम संगठन बड़ा ग्राम संगठन है, पंचायत स्तर पे आपका जो है कार्यालय बनेगा, ऑफिस बनेगा। और इस ग्राम संगठन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इसमें उप समितियां भी बनाई जाएंगी। 4 उप समितियां अभी बन रही हैं, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर जैसे आपके ग्राम संगठन में काम काज और बढ़ जाएगा तो आप उप समितियों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो है 4 उप समितियां बनाई जाएंगी। तो उप समितियों का नाम जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है और प्रत्येक उप समिति के क्या कार्य हैं आप लोग जान लीजिए, ठीक है। आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए पहली उप समिति जो बनेगी सामाजिक ऑडिट या निगरानी उप समिति, आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि आप ही लोगों का नाम इसमें लिखा जाएगा। तो जो सामाजिक ऑडिट या निगरानी उप समिति रहेगी वो ग्राम संगठन की सबसे बड़ी उप समिति रहेगी। जैसे ये बिंदु दीदी हैं अपने समूह से पैसा ले रही हैं या ग्राम संगठन से पैसा ले रही हैं, इन्होंने कहा कि हमको 30,000 रुपया दे दीजिए, हम भैंस खरीदने के लिए पैसा ले रहे हैं। तो समूह ग्राम संगठन के द्वारा इनको पैसा दे दिया। तो ग्राम संगठन क्या करेगा, एक हफ्ते में आपके समूह में उप समिति भेजेगा। तो कौन सी उप समिति जाएगी? निगरानी उप समिति। क्यों जाएगी? इसलिए जाएगी कि बिंदु दीदी ने पैसा लिया है भैंस खरीदने के लिए, भैंस खरीदी है कि नहीं खरीदी है उसकी जांच होगी। अगर दीदी ने भैंस नहीं खरीदा है, जिस कार्य के लिए पैसा लिया है वो कार्य किया ही नहीं है, कहीं जेवर बनवा लिया, गले का हार बनवा लिया है, पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। या तो उनको 15 दिन का मौका भी दिया जाएगा, आप भैंस खरीद के लाइए समूह से। दीदी आप जिस काम के लिए पैसा ले रही है वही काम करिए, ऐसा नहीं है कि आप मतलब भैंस खरीदने के लिए ली है या शादी विवाह कर ली है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो यही उप समिति ये कार्य करेगी। इसमें 2 दीदियों का नाम रखा जाएगा। तो बताइए कौन 2 दीदी इसमें बनना चाहती हैं? बताओ नमो। क्रय विक्रय
समिति, ठीक है। इसमें ग्राम संगठन का जब ऑफिस बनेगा, कार्यालय बनेगा, तो पैसा भी आएगा, सामान भी खरीदा जाएगा, अलमारी, दरी, बक्सा, गैस सिलेंडर, कप, प्लेट, आप सब महीना मीटिंग करवा, स्वयं आप सब चाय चार दाएं बने बने पिया, यही कुल व्यवस्था रहे, ठीक बा। तो ग्राम संगठन में अगर रजिस्टर खरीदना है, दरी खरीदना है, अलमारी खरीदना है, अगर दीदियां जो है राशन का भंडारण करना चाहती हैं, जो भी सामान खरीदा जाएगा वो क्रय विक्रय उप समिति के द्वारा ही खरीदा जाएगा। तो इसमें दो दीदियों जो बनना चाहती हैं इसमें अपना नाम लिखवा सकती हैं। एक दीदी थोड़ा पढ़ी लिखी रहनी चाहिए, क्योंकि सामान खरीदने के लिए बिल वाउचर सब कुछ देख सके। बैंक लिंकेज उप समिति भी बनेगी, इसमें भी दो दीदियां रहेंगी, इसका भी काम आप लोग समझ लीजिए। अध्यक्ष है ये दीदी, उपाध्यक्ष है वो दीदी, उप सचिव है, और इधर आपके जो है ग्राम संगठन की उप समितियां जो बनाई गई हैं, अब इन्हीं के द्वारा आपके ग्राम संगठन का संचालन किया जाएगा अच्छे ढंग से। और आप लोग जान लीजिए, जैसे बहुत सी दीदियों के मन में कुछ बात है, हम क्लियर कर देना चाहते हैं, इनका कार्यकाल केवल कम से कम 2 वर्ष के लिए है, अधिक से अधिक 3 वर्ष के लिए। अगर ये दीदियां अच्छे से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगी, तो आप लोग स्वयं इसी प्रकार से आम सभा लगाएंगे, नए पदधारियों का चयन आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष के बाद इनका बदलाव कर दिया जाएगा, और बाकी जो अध्यक्ष सचिव कोषा अध्यक्ष दीदियां रहेंगी उनमें से नए पदाधिकारियों का चयन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये स्वयं सहायता समूह एनआरएलएम की गाइडलाइन है, हमेशा ये नहीं रहेंगी, जान लीजिए, परिवर्तन इनका कर जाएगा, केवल 2 वर्ष के लिए ही रहेंगी, क्यों, ताकि बाकी जो हमारी दीदियां हैं उनको भी मौका मिल सके पदाधिकारी बनने का, जिम्मेदारी उठाने का। यही बेचारी हमेशा 5-6 साल तक जिम्मेदारी उठाएंगी, तो इनके भी घर बाल बच्चे हैं, पशु हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं, तो सबको भी तो अवसर मिलना चाहिए, ठीक है दीदी। और इसके बाद जो है परसों आपके यहाँ ग्राम संगठन के बाद आपका CLF भी बन रहा है, हाँ, साथ बड़ा मंच 8-10 गांव जोड़ के बनेगा, 8-10 ग्राम सभा मिला करके एक CLF बनेगा। जैसे आपके पंचायत में जितने समूह है ना, सारे समूहों को मिलाकर ये ग्राम संगठन बना है, वैसे 8-10 पंचायत मिला करके एक CLF बनेगा। और आपके यहाँ पौली ब्लॉक पे आम सभा लगेगी, जिस दीदी को जाना होगा, मीटिंग में इकट्ठा होना होगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार, किसी को जोर दबाव नहीं है। बाकी ये 5 पदाधिकारी वहाँ पे जाएंगी, ठीक है, यहाँ इससे ज्यादा आपको सीट मिलेगी, ठीक है दीदी। और दीदी, अब दीदी हमारे काफी देर से बैठी हैं, इकट्ठे गाना हो जाए, सब दीदी साथ दिया, ठीक बा। चाहे लोग बोलियां बोले मैं तो समूह बनाऊंगी, सासू बोले ससुर जी बोले और बोले घर वाला, सूत्रा पे था। समूह में 5 नियम होते हैं, जब आप अपने समूह में 5 सूत्रा का पालन अच्छे से करेंगे, तभी आपका समूह और ग्राम संगठन अच्छे से चल पाएगा। तो इसी 5 सूत्रा पे जो है ये गीत था। तो समूह में 5 नियम जानना आप सबको बहुत जरूरी है। नियमित साप्ताहिक बैठक, ठीक है, दूसरा है नियमित साप्ताहिक बचत, 3 नंबर है नियमित आंतरिक लेन देन, 4 नंबर है नियमित समय से कर्ज की वापसी। जो दीदी समूह से पैसा ली है, अगर बोल रही है हमको 5,000 दीजिए, हम 5 माह में जमा कर देंगे, तो दीदी का भी दायित्व बनता है कि वो 5 माह में 5,000 की वापसी 1-1,000 करके प्रतिमाह ब्याज मूलधन सहित वापस जमा कर दें, ठीक है। उसके बाद 5वां नियम है नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा, रजिस्टर का लेखा जोखा करना, रजिस्टर का रख रखाव करना, ताकि सारा रिकॉर्ड उसमें आप लिख सको कि सीता दीदी को 5,000 दिया गया, मीना दीदी ने
2000 वापस किया, फला दीदी ने 10 रुपए की बचत की। जब आप रजिस्टर में रिकॉर्ड अच्छे से रखेंगी तभी तो आपका हिसाब अच्छा रहेगा। अगर दीदी आपको पैसा दे के चली जा रही है, आप सोचेंगी कल परसों हम चढ़ा देंगे, तो दीदी आप भूल जाएंगी, चढ़ा नहीं पाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर और भी घर के तो काम है। इसीलिए जो भी दीदी पैसा दे रही है तत्काल रजिस्टर पे चढ़ा दीजिए उसी समय। तो इसी पंचसूत्रा पे ये गीत था, और इस पंचसूत्रा का पालन जब आप अपने समूह में अच्छे से करेंगे तब आपका समूह अच्छे से चलेगा, ये ग्रेड का माना जाएगा। आप दीदी देखिए ग्राम संगठन बन गया है ना, सीएलएफ बनेगा, और पांचों पदाधिकारियों को पौली ब्लॉक जाना होगा। सीएलएफ जो है 8-10 गांव में ग्राम संगठन बना है, सभी ग्राम संगठन को जोड़ के क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनेगा, उसका भी एक कार्यालय होगा। तो सीएलएफ जो है प्रोजेक्ट लेगा कंपनियों से, जो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, कंपनियों से प्रोजेक्ट लेगा, अनुबंध करेगा और समूह की महिलाओं को नौकरी देगा।